सर बैंकिंग स्पेस थोड़ा अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म बैंक के लिए कोटक बैंक जबरदस्त बेट लग रहा है सर। कोटक बैंक एक ऐसा बैंक स्टॉक रहा है जो कि जिसने कहीं ना कहीं मार्केट में आउट परफॉर्म किया है, अगर मैं कह सकूं। ठीक कह रहा हूं सर? जब जिस समय बाजार गिर रहा था उसके अंदर बिल्कुल सर, ये स्टॉक इतना वोलाटाइल और इतना वाइल्ड है सर, लेकिन इसकी एक रेंज तय हो चुकी है। ये 1720 1730 की रेंज तक नीचे आता है और फिर 1800 1830 25 की रेंज में खेल रहा था इतने दिन तक, वो वही रेंज में कंसोलिडेट हो चुका था। जैसे ही इसने 1825 से 30 की रेंज का जो ब्रेकआउट दिया, जो एक आउटर रेंज वाला ब्रेकआउट था जहां से वो स्टॉक बढ़ गया, अभी इसको 1800 की लेवल पे अगर स्टॉप लॉस रख के यहाँ से अगर भी बाइंग करते हैं तो ये आपको लंबी मूव दिखाएगा। 2100 का भाव शॉर्ट टर्म के अंदर अपना अल्टीमेट टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखने वाला स्टॉक है सर, और बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से पीट चुकी है ऑलरेडी, इसको संभालने वाला HDFC और कोटक, ये दो ही बैंक थे। कोटक बैंक का इसके अंदर आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। 2100 के रेट्स क्लियरली विजिबल है सर इसमें। 2100 तक के रेट्स बहुत क्लियरली विजिबल हैं कह रहे हैं पंकज जी, तो उस लिहाज से खरीदारी बनती है। रेजिस्ट कर रहा है लगातार, हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है इधर पिछले कुछ समय से, और कहीं ना कहीं जो मार्केट की गिरावट में इसने उतना पार्टिसिपेट नहीं करा, रेजिस्ट किया, आउट परफॉर्म किया और स्ट्रेंथ दिखाई, और वो स्ट्रेंथ का अब कन्वर्जन ऊपर की साइड में और बड़ा आने की उम्मीद दिख रही है पंकज जी को, तो वो कह रहे हैं खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर इसके छोटे सिग्नल हम देखना चाहें, कुछ और कंफर्मेशन डबल करना चाहें, तो आज इंडाइसिस को अगर हम देख लेंगे तो हमें एक आइडिया वहां से भी मिलता है, जहां 0.5% गिर करके निफ्टी काम कर रहा है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी हरे में आ गया है और उसको सीधा धीरे धीरे करके वो ग्रीन में और ऊपर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी परफॉर्म करता हुआ दिखना शुरू हो गया है, तो बैंकिंग सेक्टर से कहीं ना कहीं एक बढ़िया पिक कोटक महिंद्रा कह रहे हैं कि कोटक बैंक खरीद करके चल सकते हैं। पंकज जी की ये बढ़िया।